हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस क्विक ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि एक्सेल के अंदर हम फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है एनालिसिस करने के लिए, उसके लिए फिल्टर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ला के दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और दूसरी चीज़ जो हम सीखेंगे वो है फ्री स्पैन्स, वो भी हम स्क्रीन पे जब जाएंगे तो पता चलेगा। बट ये दोनों चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हैं जो ऑफिस में बहुत लार्ज एक्सेल जो हैं उसको हैंडल करते हैं। तो चलिए आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीज फ्रेम और फिल्टर्स कैसे यूज़ होता है। सो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर मैंने सीरियल नंबर, टॉवर, शॉप नंबर, साइज, पेमेंट रिसीव्ड, न्यू ड्यूज, ड्यू डेट, प्लान एज पर कॉल, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये जो डेटा जितना अच्छा आप मेंटेन करेंगे उतना ही बेहतर होता है एक्सेल के अंदर उसको ऑपरेट करना। तो ये मैंने एक्चुअली इस बार जो डेटा यूज़ किया है वो काफ़ी वास्ट है। आप देखिएगा इसमें कुछ एंट्रीज़ हैं, 81 एंट्रीज़ हैं। सो दोस्तों, एक काम कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको ये बढ़िया तरीके से दिख सके। सो दोस्तों, अब देखते हैं, जो जैसे कि ट्यूटोरियल का सबसे पहली चीज़ है वो मैंने आपको बताया कि फ़िल्टर्स कैसे लगाने हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पे एक हेडिंग देख रहे हैं जो सबसे पहली वाली रो में नज़र आ रही होगी आपको, जिसमें टॉवर, शॉप और वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है सबसे ऊपर वाली लाइन। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पे वन पे क्लिक करना है। ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में है वहाँ ले जाकर अपना लेफ्ट का क्लिक करना है माउस का। और उसके बाद आप ऊपर इस साइड पे देखेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है सॉर्ट एंड फिल्टर्स, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको फिल्टर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिल्टर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी ऊपर की जो हेडिंग वाली चीज़ थी जो हमने सेलेक्ट की थी, उसके आगे एक इस तरह का जो है एक बटन वहाँ पे क्रिएट हो गया है, जिसके अंदर एक छोटा सा एरो बना हुआ है। तो ये बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। एक्चुअली में ये ऑप्शंस वो सारी हैं, एग्जांपल के तौर पे पेमेंट स्टेटस को ले लेते हैं। पेमेंट स्टेटस जैसे हमने अपने डेटा फिल्ट्रेशन में या जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं उसमें हमने मेंशन कर दिया कि पेमेंट या तो आई है, रिसीव हुई है, या फिर पेंडिंग है, या फिर इसके अलावा कोई और चीज़ जैसे कि RTGS कन्फर्म नहीं है या इस तरह की कोई चीज़। तो आप मिनिमम 3 या 4 जो है पर्टिकुलर ऑर्डर्स में अगर उसको आपने मेंटेन किया हुआ तो आप देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहते हैं कि 80 कस्टमर्स में से कितने ऐसे हैं जिनकी पेमेंट पेंडिंग है। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ये वाला दबाएं, सिर्फ पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरे डेटा में से हमें वही ये डेटा शो करेगा जिनका पेंडिंग है, आप यहाँ पे देखिए। और अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे तो नंबरिंग चेंज होंगी, क्योंकि जो जो एंट्रीज़ इसके अंदर पेंडिंग नहीं है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। ऐसे ही इसको हम वापस, अगर आप देखना चाहें पूरे डेटा को, तो यहाँ पे क्लिक कर कर सिलेक्ट ऑल कर दीजिए और ओके दबा दीजिए तो पूरे का पूरा डेटा वैसे का वैसे आ जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, इन इन कीपिंग रिकॉर्ड्स बहुत हैंडी अगर आपको रखने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ साइज़ पर आते हैं कि शॉप का साइज़ जो है, ऐसे कितने कस्टमर हैं जिनका शॉप का साइज़ 770 है, तो हम 770 को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अब सिर्फ वो डेटा में शो होगा जो 770 स्क्वायर फीट की जिनकी शॉप है। सो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है फिल्टर कि आप बहुत बड़ा डेटा जो है उसको बहुत इजीली स्क्रूटनाइज और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें से कोई एक कॉलम ऐसा हो जिसके अंदर आप इजीली डिफरेंशिएट करना चाहते हो। सो दोस्तों, दिस इज़ वॉज फिल्टर। ये फिल्टर एक बहुत काम की चीज़ है अगर आप अपने डेटा में यूज़ करते हैं तो। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है फ्रीज पैन। दोस्तों, फ्रीज पैन या फिर फ्रीज सेल अगर हम बात करें, वो क्या चीज़ है आप ध्यान से देखिएगा। ये तब बहुत काम आती है जब आप बहुत जो लार्ज एक्सेल्स बना रहे हैं या नंबर ऑफ़ हेडिंग्स या नंबर ऑफ़ कॉलम बहुत ज़्यादा हैं या फिर नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे इसके अंदर हम 80 रोज़ हैं, तो एक एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। सपोजिंगली हम यहाँ पे 80th एंट्री के आसपास आ जाते हैं, तो अब सपोजिंगली 80th एंट्री पे हमें यहाँ पे देखते हैं 970 लिखा हुआ है, या फिर ये कुछ ऐसा पेमेंट्स लिखी हुई हैं, तो ये पेमेंट ड्यू है या पेमेंट पेंडिंग है, वो चीज़ हेडिंग ऊपर ही रह गई है, हम स्क्रॉल करके नीचे आ गए हैं। तो इस तरह इसको अगर हमने मैनेज करना है स्मार्टली तो आप यहाँ पर ऊपर आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर नंबर वन पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर अगर आएंगे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है व्यू का, व्यू वाली जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ फ्रीज पैंस देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक कीजिए और फ्रीज टॉप रो, यानी कि जो टॉप सबसे टॉप रो है वो फ्रीज हो जाएगी, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अब एक्चुअली टॉप रो फ्रीज हो चुकी है, उसका फ़ायदा आपको क्या नज़र आएगा अगर हम यहाँ पे हम वापस स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो आप देखिएगा अगर हम 80th एंट्री पर भी हैं
तो टॉप पे देखिए जो सबसे ऊपर वाला जो जो रो था वो फ्रीज है, और हमें पता चल रहा है कि इस टाइम पे भी कि कौन सी चीज़ रिसीव्ड है या कौन सी चीज़ कौन सी ड्यू है। सो दिस इज़ वन गुड थिंग अगर आप अपने जो एक्सेल्स हैं उसको ईजिली मैनेज करना चाहते हैं। और एक और चीज़ दोस्तों, ये तो जो मैंने आपको बताया इन केस ऑफ कॉलम्स बताया, अगर आप कॉलम से नीचे या कॉलम से ऊपर आ रहे हैं, ऐसे ही रो का भी है। सपोजिंगली यहाँ पे हम जे तक पहुँचे हैं, अगर इसके आगे भी आपको रोज़ बनानी है तो आप देखिएगा वो वहाँ से जो डेटा है वो हाइड हो जाता है। उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर वापस ऊपर आइए और एक बार इसको अनफ्रीज कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या स्टेप करना है दोस्तों, अगर कॉलम ज़्यादा हैं यानी कि आप अगर हॉरिजॉन्टली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे सपोज कर लीजिए जो सेकंड सेल है यानी कि टॉप जो रो है उसके नीचे वाली रो, उसके दो पोर्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर मैं एफ कॉलम को फ्रीज करूँगा यानी कि एफ के पहले की एंट्रीज यानी कि ए बी सी डी ई ये सब एंट्री ऐसी कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रीज फ्रेम में आपको जाना है, फ्रीज पैन पे क्लिक कर देना है। तो फ्रीज पैन्स पे जब आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा, अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो आप देखिएगा ऊपर वाला जो कॉलम है, जो ऊपर वाला जो कॉलम है वो बिल्कुल वैसे, जो ऊपर वाली जो रो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे की वैसी चल रही है। और अगर मैं राइट साइड को जाता हूँ यानी कि इस तरफ को जाएँ, तो आप देखिएगा अगर मैं अपना जो स्क्रॉलर और साइड लेके जा रहा हूँ तो देखिएगा ई वाला जो सेगमेंट है उसके पीछे सारी चीज़ें हाइड होती चली जा रही हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप अपना जो डेटा है वो इस तरह से जो है ऑपरेट कर सकते हैं, आपको ईजी रहेगा इन डूइंग द एंट्रीज। सो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।